देश की एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो सबसे पुरानी पार्टी है जिनका नाम शायद बस हल्ला करना ही बच गया है। सरकार कोई भी फैसला ले, चाहे वो प्रशासनिक हो या राजनीतिक, उनको किलो के हिसाब से मिर्ची लगती है, फिर उनका चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। अभी हिंडनबर्ग की कथित घोटाला उजागर करने वाली रिपोर्ट पर ये चिल्ला ही रहे थे कि तब सरकार ने एक फैसला ले लिया कि इस पार्टी को फिर मिर्ची लग गई। अब देश की ये सबसे पुरानी पार्टी के नेता कंफ्यूज हो गए हैं कि अब किस मुद्दे पर चिल्लाना है। पार्टी का नाम का अब तक अंदाजा लगा ही चुके होंगे आप। पार्टी का नाम है कांग्रेस, जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जद्दोजहद में लगी हुई है। अब सरकार ने एक और ऐसा फैसला ले लिया है जो इस पार्टी के नए रूप में चिल्लाना शुरू कर दिया है। ऐसा क्या फैसला लिया है भाजपा सरकार ने, चलिए आपको बताते हैं। वह ये कि अभी सरकार ने कई राज्यों के गवर्नर बदल दिए और नए गवर्नरों की सूची एक ऐसा नाम भी शामिल था जिसके बाद कांग्रेस ने हाय तोबा मचा दी। वो नाम है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल नजीर का। उसके बाद तो पूरी पार्टी को ही समझ नहीं आ रहा कि इस बात का विरोध करें कैसे। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिहाज से गलत बताया है। जस्टिस अब्दुल नजीर 4 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पद से रिटायर हुए थे और 12 फरवरी को उन्हें गवर्नर की जिम्मेदारी दी गई थी। 2017 में जज बनने वाले नजीर ने करीब 6 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में काम किया। इससे पहले वो कर्नाटक हाईकोर्ट में रहे थे। जस्टिस अब्दुल को गवर्नर बनाया जाना एक गलत नजीर बताया जा रहा है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब किसी जस्टिस को गवर्नर बनाया गया हो। इससे पहले भी ऐसी ही नजीर सरकारों द्वारा पेश की गई है। जस्टिस अब्दुल नजीर बाबरी मस्जिद केस और 3 तलाक जैसे अहम मामलों की सुनवाई करने वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस नजीर से पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम और पूर्व जस्टिस एम फातिमा बीवी भी गवर्नर बन चुकी है। जस्टिस पी सदाशिवम को 2014 में केरल का गवर्नर बनाया गया था। नजीर से पहले ये आखिरी मौका था जब किसी जज को गवर्नर बनाया गया था। कांग्रेस ने जब अपने दौर में किया तो उसे खूब पसंद आया, लेकिन अब भाजपा ने कर दिया तो वो संविधान के खिलाफ हो गया। देश में चुनावी महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी दल जनता को लुभाने में जुटे हैं और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। देश में शासन करने वाली भगवा पार्टी देश की प्रगति के लिए कुछ भी कर गुजरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की मेहनत को देख विपक्ष यानी कि कांग्रेस को मिर्ची लगती है और आए दिन बीजेपी का ध्यान भटकाने के लिए किसी को भी कुछ भी टिप्पणी कर रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूर्वजों पर सवाल उठाया तो केंद्रीय मंत्री भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस नेत्री को इतिहास पढ़ने की सलाह दे डाली। सोशल मीडिया पर इन दोनों के बीच में हुई तूतूमैमे पर आम लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 फरवरी को मराठा साम्राज्य के शासक महादजी सिंधिया को याद करते हुए ट्वीट कर लिखा था, आज के दिन 1771 में दिल्ली जीत कर हिंदुस्तान की अखंडता की रक्षा करने के लिए मेरे पूर्वज और प्रेरणा स्रोत द ग्रेट मराठा कहे जाने वाले पाटिल बुवा महाराजा महादजी सिंधिया को इतिहास में दूरदर्शी राजनेता का सम्मान दिया गया। उनके महान शौर्य और बलिदान को कोटि कोटि नमन। सिंधिया की इसी ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि सोचा पूछ लूं 1857 की क्रांति में आपके पूर्वज कहां थे। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत द्वारा उठाए गए सवाल पर करारा जवाब देते हुए कहा कि सुप्रिया श्रीनेत जी कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। सिंधिया परिवार के योगदान के बारे में 1857 के महान क्रांतिकारी तात्या टोपे के वंशज पराग टोपे ने अपनी किताब ऑपरेशन रेड लोटस में विस्तार से लिखा है, एक बार पढ़ने का कष्ट कर लीजिए। तो वहीं सोशल मीडिया पर मचे इस सियासी घमासान पर लोगों ने कांग्रेस नेत्री को ही घेर लिया। इस मामले में एसएस पारिक नाम के एक यूजर ने लिखा कि जनता के बीच सिंधिया परिवार का रुतबा हमेशा से गांधियों और नेहरुओं से ज्यादा पूजनीय रहा है। आजादी से पहले और आजादी के बाद सिंधिया महाराजा और नेहरू जब भी एक मंच पर मौजूद रहते थे, तब तब नेहरू से पहले लोग महाराजा सिंधिया को सम्मान देते या पाव पड़ते थे, यही थी नेहरू की तकलीफ का कारण। वहीं आदर्श तिवारी नाम के एक यूजर ने लिखा कि इस समय सुप्रिया श्रीनेत जी बार बार खुद की फजीहत कराने का ठेका ले रखा है क्या आपने, दम इतना है कि उन्हें लगता है वाह वाह मैं जीत गई। दरबार का चरण चुंबन अपनी उच्च अवस्था में है। इसके अलावा भी कई और लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत पर निशाना साधा। आपने एक फिल्म देखी होगी गोलमाल, जिसमें किरदार होता है जो समय समय पर सब कुछ भूल जाता है। ऐसा ही एक किरदार शायद भारत की राजनीति में भी आ गया है। उनका सबसे बेहतरीन और पसंदीदा काम है वादा करना, फ्री का लॉलीपॉप देना और चुनाव बाद सब कुछ भूल जाना। ये हर चुनावी राज में चुनावी चरवाहों की तरह उस राज्य में पहुंच जाते हैं,
संगठन बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फ्री की रेवड़ी बांटने का वादा करते हैं और जैसे ही चुनाव जीतते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। कोई उनको उनका वादा याद दिलाने आता है तो उसको मिल जाती है पुलिस या लाठी। ये किरदार पंजाब भी पहुंचा था, वहां भी इस किरदार ने कई वायदे किए और उनके वादों पर एतबार कर राज्य की जनता ने उनको सर माथे पर भी बिठाया और सौंप दी देश के इस सीमावर्ती राज्य की कमान। इन भाई साहब ने अपने छोटे भाई को, जिन पर उनके सांसद रहते हुए आरोप ये लगा था कि वो मदिरा का सेवन कर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंच जाते हैं, हालांकि अभी तक आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने अपने कथित छोटे भाई भगवंत मान को पंजाब की जिम्मेवारी दी थी। चुनाव से पहले बड़े भैया और छोटे मियां ने खूब चुनावी वादे किए थे, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री शिक्षा, लाखों की संख्या में युवा को रोजगार, मानो जो मन में आया वो वादा कर दिया। ऐसा कुछ चल रहा था चुनाव के दौरान, लेकिन जैसे ही पार्टी सत्ता में आई उन्होंने फ्री की बिजली देने की कोशिश की थी, लेकिन जिसके बाद राज्य का बिजली विभाग घाटे में चला गया और विभाग ने यहां तक कह दिया कि इसी तरह सब्सिडी मिलती रही तो पंजाब को गहरे बिजली संकट से गुजरना पड़ सकता है। आज युवाओं ने उनको उनके रोजगार के वादे की याद दिलाने की कोशिश की तो उनके सामने मान जी पुलिसिया बूट और लाठी तैनात कर चुके हैं। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। पंजाब में संगरूर स्थित सीएम भगवंत मान के आवास के बाहर रविवार को पुलिस और बेरोजगार अध्यापकों की धक्का मुक्की हुई है। अध्यापक नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उनकी मांग है कि राज्य में बड़े खाली पोस्टों को भरा जाए। पिछले 3 साल से पंजाब में टेट का एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम देने के बाद उन खाली पदों को भरा जाए। जब तक उनकी समस्या का हल नहीं निकलेगा तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। 10-15 दिन पहले ही बेरोजगार अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उस समय कैबिनेट मंत्री हरजोत बेंस ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि 10 तारीख तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जब आश्वासन मिलने के बावजूद समस्या का हल नहीं हुआ तो आज सीएम भगवंत मान के आवास का घेराव करने ये अध्यापक पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ने उन पर बल प्रयोग कर रोकने की कोशिश की। केजरीवाल एंड कंपनी को सोचना होगा कि भले ही आप एक बार 5 साल के लिए जनता को अंधेरे में रख सकते हैं, लेकिन जनता आपको अगले चुनाव में आपके किए की सजा जरूर देगी। बिहार में इस समय सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। बिहार की इस चहमात के खेल में नीतीश कुमार अभी तक जो अजय थे, उन्होंने एक बार फिर बिहार के राजनीतिक शतरंज में अपनी अगली चाल चल दी है। नीतीश कुमार के इस चाल से कांग्रेस फंस गई है, वहीं आरजेडी की राह भी कठिन हो सकती है। दरअसल नीतीश कुमार जब से महागठबंधन में आए हैं तब से ही गठबंधन में बवाल मचा हुआ है। नीतीश के खिलाफ आरजेडी के नेताओं की तीखी बयानबाजी हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर पा रहे। वहीं अब तो नीतीश कुमार आरजेडी के सामने सरेंडर करते दिख रहे हैं। हालांकि जेडीयू के नेता भी नीतीश कुमार की पोल खोलने में लगे हैं। जेडीयू के भीतर खाने से ही नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठ रही है। उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के नेता है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा नीतीश कुमार की बखिया उखाड़ रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि नीतीश और लालू में डील हुई है जिसके तहत नीतीश तेजस्वी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी फिर से उपेंद्र कुशवाहा के इस दावे पर मुहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने समाधान यात्रा के दौरान एक ऐसी बात तेजस्वी को लेकर कह दी जिसके बाद बिहार में सियासत में नया भूचाल आता नजर आ रहा है। आखिर क्या कहा नीतीश ने तेजस्वी के लिए, चलिए आपको बताते हैं। समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि इसका फैसला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। सीएम भागलपुर जिले के गणेशपुर, तीन पुलिया और जमुई जिले के मरकट्ठा गाँव में थे। जमुई मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में कांग्रेस की ओर से 2 मंत्री पद मांगे जाने के सवाल पर कहा कि गठबंधन में सबकी भागीदारी तय है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो 2025 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहें और तेजस्वी यादव और राजद को भी शांत रखने के लिए ऐसे बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। नीतीश जानते हैं कि अगर इस तरह के वादे और बयान उनकी तरफ से नहीं दिए गए तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो उनकी पार्टी ने ही उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। अगर राजद को भरोसा नहीं दिया गया तो कहीं राजद से भी आवाज ना उठने लगे कि मुख्यमंत्री पद तेजस्वी को दीजिए। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए समय समय पर एकजुट होने की बात तो करता रहता है, लेकिन विपक्ष का कोई नेता ऐसा नहीं है जो दूसरे नेता को अपने ऊपर समझ ले। सभी विपक्ष के नेताओं की अपनी राजनीतिक मंजिल है जिसके बीच वो किसी दूसरे विपक्ष के नेता को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते। तमाम आपसी मतभेद होने के साथ ही तमाम राजनीतिक चाह के कारण सभी विपक्षी राजनीतिक दल एक मंच पर आ ही नहीं पाते।
कोई दक्षिण में एकजुट हो रहा है तो कोई कश्मीर में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सभी दलों के हाथ इस मामले में खाली ही नजर आते हैं। इन्हीं मतभेदों का सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ भाजपा को अपना सियासी वर्चस्व बनाए रखने में मिलता है। अभी फिर एक सर्वे आया है जो विपक्षी नेताओं के बीच खाई फिर गहरी करेगा। इंडिया टुडे और सी वोटर के ताजा सर्वे में देश का मिजाज समझने की कोशिश की गई है। हर 6 महीने पर होने वाले इस सर्वे का ताजा अंक जनवरी 2023 के आखिर में जारी हुआ। इसमें 1.39 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। सर्वे में सवाल किया गया था कि अगर विपक्षी दल एक साथ आते तो क्या पीएम मोदी को चुनौती दे सकते हैं। सर्वे के नतीजे विपक्ष के लिए बुरी खबर लाए। 39% लोग ही मानते हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो पीएम मोदी को चुनौती दे सकता है, जबकि 47% लोग ही मानते हैं कि ममता केजरीवाल और राहुल समेत समूचा विपक्ष भी पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के रथ को रोक नहीं पाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि 1 साल पहले ही विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी को पटखनी देता नजर आ रहा था। सर्वे में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि विपक्ष के नेतृत्व देने वाले नेता के तौर पर दोनों का ग्राफ ऊपर आया है। इससे पहले ज्यादा फायदा अरविंद केजरीवाल को हुआ है, जो विपक्ष का नेता बनने वालों की लिस्ट में 24% के साथ नंबर 1 पर है। जनवरी 2022 में 17% लोग ही उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर देखते थे। जनवरी 2022 के सर्वे में 17% लोगों ने ममता बनर्जी में विपक्ष का नेता बनने की संभावना देखी थी, जो 1 साल बाद जनवरी 2023 में बढ़कर 20% हो गई है। राहुल गांधी को विपक्षी नेता के रूप में पसंद करने वालों की संख्या भी जनवरी 2022 के 11% के मुकाबले अब बढ़कर 13% हो गई है। अब इस सर्वे को देख कर कहीं कट्टर ईमानदार पार्टी ये ना बोल दे कि भाई हमारे नेता को विपक्ष का चेहरा बनाया जाए। इस पार्टी के नेता पहले भी बोल चुके हैं कि 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष केजरीवाल को अपना चेहरा मान सकता है। भाजपा विपक्ष के मतभेद के मैदान में अपना विजय रथ सरपट दौड़ा देगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।